हेलो स्टूडेंट्स क्लास इलेवंथ वेस्टेड बट वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू विध ट्वेल्थ डोट वरीयर इज द सोल्यूशन यू हैव टू प्रीपेयर अ प्रॉपर स्टडी प्लान अब कई सारे स्टूडेंट्स इलेवंथ स्टैंडर्ड का एग्जाम दे चुके हैं अब ट्वेल्थ में आ चुके हैं अब ट्वेल्थ में आने के बाद में उनके पास में रोडमैप क्या होना चाहिए उनका एक प्लान क्या होना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको हम इस वीडियो में बताएंगे और उसको देखने के बाद में आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप नीट की प्रिपरेशन की राह पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यूसली विद कॉन्फिडेंस चल पाओगे तो हम आपके सामने इस वीडियो में ऐसा छोटा सा प्लान शेयर करने वाले हैं बहुत इफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए देखते हैं क्या है आपको पता है कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के साथ में नीट की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा हार्ड है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है ट्रिकी है

अगर तीन अगर पॉइंट कंप्लीट तो करना है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ये तो है ही है लेकिन इस चक्कर में इस दौड़ में स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दी जल जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं उसको इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाते हैं जितना टाइम दिया है तो उसको आप इफेक्टिवली पढ़िए उस चैप्टर्स को यानी कि आपने पढ़ लिया कंसर्ट समझ लिया तो उसका एक फ्रिक्वेंटली रिवीजन जो है वो वीकली आप करते रहिएगा जैसे आप नया चैप्टर पढ़ते हैं उसको सीखने के बाद उसका पुराने वाले का वापस रिवीजन करने का एक साइकिल प्रिपेयर करें उस साइकिल में आप अपने आपको ढाल लोगे तो वो चैप्टर्स आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेंगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा ये एक आपके स्मार्ट एक स्टेप है ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए ओके तो आपको रिवाइज करने का एक साइकिल प्रिपेयर करें और रिविजन के ऊपर ज्यादा फोकस करें फर्स्ट थिंग उसके बाद नंबर टू अगर हम बात करें तो स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट कंप्लीट द चैप्टर्स ऑफ आर रिलेटेड टू एंड देन सिलेबस फर्स्ट इसको थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए जैसे आप ट्वेल्थ में आ गए अब आते स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने जो इलेवंथ पढ़ा है उसको हम ट्वेल्थ के साथ साथ पढ़ते रहे क्या नहीं इसमें भी आपको एक सिलेक्टिविटी रखनी है कैसे कि ट्वेल्थ के अंदर हमें वो चैप्टर्स इलेवंथ के पढ़ने हैं जो ट्वेल्थ में कहीं लिंक करते हैं या फिर ट्वेल्थ के चैप्टर पढ़ने में उनके बेसिक्स की तरह वर्क करने वाले चैप्टर्स होते हैं तो ऐसे कई चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर उससे रिलेटेड वीडियो हमने इस चैनल पर डाल रखा है जो अंडर है क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आया इससे समझ में आ जाएगा कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका की जिनका बेसिक इलेवंथ के अंदर छुपा हुआ होता है और इलेवंथ में उस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो आपको वो टॉपिक शॉर्ट में पढ़ा दे और आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के टाइम पे होने वाला स्ट्रगल कम हो जाए और yes नो no? तो ऐसे हमारे इस चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं उन चैप्टर्स के और वो वीडियो भी डाला हुआ है जो आपको बताएगा कि ट्वेल्थ के ऐसे कौन से चैप्टर से तीनों सब्जेक्ट के जो इलेवंथ स्टैंडर्ड के चैप्टर से लिंक करते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है तो आप क्या करें जैसे वो चैप्टर आपके सामने आ गया फेस कर रहे हो उसको पढ़ने के लिए आप, आप इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ने में लेकिन आपको पता है कि इसमें तो इलेवंथ का नॉलेज लग रहा है आपके टीचर्स बोल रहे हैं आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो नहीं पढ़ा था तो फिर इस टाइम में ऐसा आपको वीडियो मिल जाए जो कम टाइम में वो रिवाइज करवा दे तो वो वीडियो देखिए या फिर अपने से ही उसको वापस पढ़ लीजिए ऐसे पढ़ना होता है इलेवन स्टैंडर्ड के चैप्टर्स को ट्वेल्थ पढ़ते टाइम पे और जो चैप्टर लिंक नहीं करते उनको मत पढ़िए आपका ध्यान है के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना उसके लिए लगने वाले साम दाम दंड भेद चाहे वो इलेवंथ को भी वापस क्यों ना पढ़ना पड़े उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए तो पढ़ना है इस तरीके से इलेवंथ पढ़ी जाती है ट्वेल्थ के पढ़ते टाइम पे ओके आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी फिर सर बाकी चैप्टर्स बच गए उसका क्या अभी मैं बताऊंगा उसका क्या करना है अब आपका पूरा ध्यान ट्वेल्थ के चैप्टर्स को पढ़ने पे लगा हुआ है आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ट्वेल्थ के चैप्टर्स को और साथ साथ में क्या कर रहे हो रिवीजन का साइकिल भी रिपीट कर रहे हो ओके तो दो पॉइंट आपके क्लियर होने के बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ट्रिकी है प्लान वाइजली मतलब एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक पर्सन जो होता है वो अपने एक विनिंग को प्लान करता है अपनी जीत को हमेशा वो प्लान करता है तो आपको प्लान करना है तो सिंपली प्लान कैसे करें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपकी हेल्प करते हैं कैसे कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपका सिलेबस कंप्लीशन डेट क्या होना चाहिए और मैं आपको ये बता देता हूं आपको है ना एंड ऑफ सेप्टेंबर एंड ऑफ सेप्टेम्बर जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीशन डेट होना चाहिए उससे पहले पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो ट्वेल्थ का अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके एकदम बल्कि ओके अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो ट्वेल्थ को पढ़ लिया आपने 12th को पढ़ते टाइम थ की जरूरत पड़ी तो वो भी पढ़ लिया आपने और पूरा एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप September के अंदर रेडी हो गए करेक्ट अब अब आप सेबर के बाद में आपका काम होता है रिविजन अब रिविजन करते टाइम पे अब आपको क्या करना है जो चैप्टर्स आपने ट्वेल्थ के पढ़े थे अभी से लेकर के सेप्टेम्बर तक वो आपके बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप बीच में रिविजन साइकिल रिपीट कर रहे थे और अब आपको ट्वेल्थ के चैप्टर्स को वापस रिवाइज करना है बोर्ड एग्जाम के लिए तो उस टाइम पे आपको इलेवंथ का सिलेबस भी रिवाइज करना है चाहे वो लिंक करता है चाहे नहीं लिंक करता है होल सिलेबस ऑफ इलेवंथ शुड बी रिवाइज अलोंग विद ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सिलेबस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि आपके पास बहुत लंबा छोटा टाइम होता है सेप्टेंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर एंड मिड मार्च इतना टाइम आपके पास में है तो इसमें आपको रिवाइज करना है इलेवेंथ और ट्वेल्थ को ऐसा रिवाइज कर लेना है जबरदस्त बना लेना है कि इलेवंथ ट्वेल्थ का एक पैकेज बन जाए आपके दिमाग में ओके और आपको ध्यान रखना है ये रिवीजन आपको कब तक कंप्लीट कर लेना है मिड ऑफ द मार्च फिफ्टींथ ऑफ मार्च तक एकदम रिवाइज करके आप एकदम स्ट्रांगली इलेवंथ और ट्वेल्थ के चैप्टर को लेकर के कॉन्फिडेंटली बैठ जाओ अब क्या करना है सर अब थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजिकली है गिव फुल सिलेबस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ये लास्ट ऑफ द अप्रैल तक आपको करना है क्योंकि एज्यूम करिए आपके एग्जाम मान लेते हैं मार्च अप्रैल एंड देन मे यानी कि मे के अंदर आपके एग्जाम है आप एज्यूम करके चलिए तो मे के पहले पहले थर्टी या फिर लास्ट डेट ऑफ द अप्रैल तक आपको टेस्ट देने हैं यानी डेढ़ महीना आधा मार्च और पूरा अप्रैल फुल सिलेबस टेस्ट देने और टेस्ट भी आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज से है आपको बोर्ड के एग्जाम की प्रैक्टिस भी करनी है अलोंग विद एमसीक्यूज नीट के एग्जाम के पैटर्न भी देने तो दोनों टाइप के फुल सिलेबस टेस्ट देते जाइए और टेस्ट जितना दोगे अपने आपको उतना टेस्ट कर पाओगे अपने आपको उतना निखार पाओगे उतनी ही गलतियों को सुधार पाओगे और ये डेढ़ महीना आपका पूरा शानदार निकलने के बाद में आपके पास कोई भी एग्जाम ला दे दो स्टूडेंट आप उसको फोड़े बगैर नहीं रहोगे ये मेरा दावा है तो ये हमारा आपके लिए एक छोटा सा स्टडी प्लान था और ये अगर आपको स्टडी प्लान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर कुछ कहने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दिल की बात जरूर बताइएगा और ऐसे ही अगर प्लान और ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक बाय बाय